नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के बेड़ाघाट थाना अंतर्गत धुआंधार में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। इस खुलासे के साथ पति पत्नी का रिश्ता और पारिवारिक ताने बाने धराशायी होते नजर आए। गौरतलब है कि दो दिन पहले धुआंधार की पहाड़ी पर एक शख्स की खून से लथपथ लाश मिली थी, जिसके सिर पर फत्ता पटक कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जब मृतक की शिनाख्त शुरू की तो उसकी पहचान रामवरण रजक निवासी माडोताल के रूप में की गई। उसकी पत्नी के द्वारा माडोताल थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जब इस मामले में हत्यारे की तलाश में कड़िया जोड़ना शुरू किया तो जानकारी सामने आई, उससे पुलिस भी हैरान रह गई। इस मामले में सबसे पहला संदिग्ध मुकेश बर्मन का नाम सामने आया, जिसका रामवरण के घर आना जाना था और आखिरी बार रामवरण के साथ में भी उसे देखा गया था। जब पुलिस ने मुकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या करने का अपराध कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकेश और मृतक रामवरण की पत्नी प्रीति के बीच अवैध प्रेम संबंध है। रामवरण अक्सर शराब के नशों में पत्नी प्रीति के साथ मारपीट करता था और उसे मुकेश एवं प्रीति के बीच प्रेम संबंधों के भी भनक लग चुकी थी, जिसके कारण घर में आए दिन विवाद होता था। प्रीति रामवरण को अपने प्यार में रुकावट मान रही थी और उसे रास्ते से हटाने के लिए उसने ही मुकेश बर्मन को कहा था, जिसके बाद 16 नवंबर की रात मुकेश और रामवरण धुआंधार पहुंचे, जहां दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी। और जब रामवरण नशे में चूर हो गया तो मुकेश ने पहले उस पर फत्ता पटक कर उसकी हत्या की, फिर चाकू से वार किए, जिससे उसके बचने की कोई उम्मीद न रही। इसके बाद मुकेश रामवरण की जैकेट, टिफिन और मोबाइल लेकर वहां से भाग निकला। पुलिस ने मुकेश बर्मन और मृतक रामवरण रजक की पत्नी प्रीति दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये दिनांक 17 नवंबर को पेड़ाघाट थाने में सूचना मिली थी कि धुआंधार जलप्रपात के पास झाड़ियों में एक अज्ञात मृतक का, जो कि 40 से 50 वर्ष के हैं, उनका शव पड़ा हुआ है। इस पर घटनास्थल पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण और मेरे द्वारा वहाँ पर गए और घटनास्थल का मुआयना किया गया। इसमें जो है अज्ञात मृतक की शिनाख्त माड़ोताल थाने के गुमिनसान रामवरण रजक के रूप में हुई, जो एक 40 वर्षीय व्यक्ति है। और इसमें फिर थाना प्रभारी भेड़ाघाट शफी खान के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई, इसमें आरोपी की तलाश पतासाजी हेतु। इसमें मुखबिरों से और साइबर तथा CCTV के प्रयोग से इसमें अल्टीमेटली एक संदेही मुकेश बर्मन का नाम सामने आया। तो जब मुकेश बर्मन को हिरासत में लेके उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो मृतक रामवरण रजक हैं, उनकी पत्नी प्रीति रजक से मुकेश बर्मन के प्रेम संबंध हो गए थे, जिसके चलते प्रीति रजक के द्वारा उसको बोला गया कि ये हमारे रास्ते का कांटा है, इनको हटाना पड़ेगा। तो इसमें दोनों ने एक साजिश के तहत उस हत्या को अंजाम दिया, जिसमें मुकेश बर्मन के द्वारा मृतक को शराब पीने का और ये सारा लालच दे करके उसको माड़ोताल से धुआंधार जलप्रपात के पास लाया गया। जब वो अत्यधिक शराब के नशे में हो गया तो उसको उसके सिर पे पत्थर पटक के और उसको चाकू मारे गए। इसमें जो है जो चाकू प्रयोग किया था और मृतक की जैकेट, मृतक का टिफिन, ये सब जो है आरोपी मुकेश बर्मन से बरामद हुआ है। और इसमें दोनों ही आरोपियों को, मुकेश बर्मन तथा प्रीति रजक को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके आज ही न्यायालय में पेश किया गया। जो आरोपी मुकेश है, इसका बैकग्राउंड क्या है? मुकेश बर्मन जो है यही प्राइवेट काम करता है और मृतक की पत्नी से संबंध के चलते उसने ऐसा किया। इसमें जो है सराहनीय भूमिका थाना प्रभारी शफीक खान के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर RV मिश्रा, सब इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर राजेश ध्रुवे और हेड कांस्टेबल जयशंकर, हेड कांस्टेबल रूपेश सिंह और हेड कांस्टेबल दिनेश डहरिया और कांस्टेबल भानु प्रताप की इसमें बहुत ज़्यादा सराहनीय भूमिका रही है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।